उधर उत्तर प्रदेश की सीमा में आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के घुसने से भी अलर्ट मोड पर प्रशासन है, जिसको लेकर रेंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दक्षिण भारत से जुड़े दो आतंकी उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं और ये इंडो नेपाल भारत के जिलों की सीमा से नेपाल भागने की फिराक में है। इनकी तलाश में बस्ती रेंज समेत पूरे गोरखपुर जोन में हाई अलर्ट जारी है। आखिरी दफा दोनों आतंकवादियों को सिलीगुड़ी में देखा गया था। खुफिया एजेंसी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दक्षिण भारत से सक्रिय रहे ये दोनों आतंकी अब कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में है उत्तर प्रदेश में। दरअसल 2017 में एनआईए ने चेन्नई से इसमें से एक आतंकी को पकड़ा और जांच पड़ताल हुई। सीरिया से लौटने के बाद यही आतंकी दक्षिण भारत में देखा गया। एक रिपोर्ट के जरिए खबर। यूपी में घुसे खोखार आतंकी, हाई अलर्ट पर प्रदेश। बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं आतंकी। दक्षिण भारत से जुड़े आतंकियों के तार अयोध्या को निशाना बना सकते हैं आतंकी। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी दिल्ली को बना सकते हैं निशाना। नेपाल सीमा पर छिपे हैं आतंकी। नेपाल के रास्ते से दो आतंकी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सटी सीमा का इस्तेमाल कर भारत में घुस आए हैं। आतंकी घुसपैठ की सूचना मिलने पर एटीएस पूरी तरह से सक्रिय है। अपने नेटवर्क के जरिए एटीएस आतंकियों की खोज में जुटी है। बस्ती जिले में दो आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी सबसे पहले खुफिया विभाग ने यूपी पुलिस को दी। बस्ती जोन के पुलिस महानिरीक्षक आशुतोष कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए समस्त जानकारियों को यूपी एटीएस के आला अधिकारियों को दिया। इसके बाद इनपुट के आधार पर एटीएस के आला अधिकारियों की टीम ने बैठक कर अपने नेटवर्क को सक्रिय किया है। बस्ती, गोरखपुर और आसपास के जिलों में नेटवर्क फैलाकर दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। बेसिकली देखिए, ये गोपनीय टाइप की इन्फॉर्मेशन है, इसमें इस तरह के अलर्ट्स हम लोग को रूटीनली आते रहते हैं, जिसमें कि मुख्यालय से हम लोगों को फोटो भेजी गई दो लोगों की, और ये कैसे मीडिया में आ गई ये एक दूसरा प्रश्न है, परंतु ये बात सही है कि वो दो वांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं और इनके नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था, ये कहीं देखते हैं तो उनको अप्रिहेंड कर लिया जाए। दोनों आतंकियों की पहचान ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल समद के रूप में हुई है। भारत की सीमा में घुसने के बाद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशा को देखते हुए इनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एटीएस, यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसी कोशिश में जुटी है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती आने जाने वाले मार्गों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। वही राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अयोध्या आतंकियों के निशाने पर है। हमेशा से 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर आतंकी भारत को दहलाने की फिराक में रहते हैं। दोनों आतंकियों के भारत की सीमा में घुसने के 50 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यूपी एटीएस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। दोनों आतंकियों के बारे में मिली जानकारी के अनुसार मोइनुद्दीन सीरिया में ट्रेनिंग ले चुका है, उसकी एक बार गिरफ्तारी हुई थी और अब वो जमानत पर छूटकर फिर से सक्रिय है। दूसरा समद सिमी का सदस्य रहा है और वो 2018 में गिरफ्तार हुआ था, वो भी बाहर आने के बाद से छिपकर सक्रिय है। दोनों आतंकी 16 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखे गए थे। हालांकि समय रहते इनपुट मिलने के बाद और पुलिस की मुस्तैदी ने फिलहाल ऐसी किसी अनहोनी को टाल दिया है, लेकिन पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी ऐसे संवेदनशील मौके पर अपनी सक्रियता दिखानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।